समुद्रपुर तालुका की आजादी के बाद से मोहगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले तीन गांवों केसलापार तावी रासा में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। इस तीनों गांवों में जल जीवन योजना अंतर्गत काम मंजूर हुए हैं, लेकिन अभी तक काम का पता नहीं है। हक की पानी आपूर्ति योजना कब मिलेगी, ये सवाल ग्रामीण रहवासी करते दिख रहे हैं। तीनों गांवों के महिला नागरिकों को भारी मात्रा में पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। गांव में पानी का स्तर कम होने से गांव की बोरिंग और कुएं सूख गए हैं। कुओं को अधिकृत किया गया और वहां से जल आपूर्ति किए जा रही, लेकिन लोड शेडिंग के कारण पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। जल जीवन के तहत योजना को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी काम शुरू होना बाकी है। तावी गांव के लोगों की प्यास बुझाने वाला गांव कुआं का तल तक पहुंच गया है, जिससे यहां पानी की किल्लत हो गई है। केसलापार रासा गांव में मार्च से इन गांवों में पानी की किल्लत हो रही है। यहां के लोगों की पानी की समस्या का समाधान कैसे होने वाला है? ग्राम पंचायत ने तावी रासा गांव के प्यासे नागरिकों को तत्काल पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। इस बीच मोहगांव ग्राम पंचायत के सरपंच विलास नवखरे, उप सरपंच सपना भावले ने तवी रासा केसलापार में जल जीवन योजना के तहत स्वीकृत योजनाओं पर काम शुरू करने की मांग की है। सदस्य जगदीश महतले, राजू परचाके, संदीप दातरकर, सुनीता वागड़े, प्रणाली बंधरे, शीला धराने, बेबी अतराम और अन्य ने संबंधित प्रशासन से संपर्क किया है। 40 वर्ष झाले या गावात आहोत, पाण्याचा पत्ता नाही। सरकार इतके झाले तरी अजून पाण्याचं ठिकाण नाही। आम्ही अर्ध्या किलोमीटरवरून पाणी चालवून आणत आहोत। समुद्रपूर पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या मोहगाव गट ग्रामपंचायतमध्ये 5 गावाचा समावेश आहे। यामध्ये रासा, तावी आणि केसलापार या गावात गेल्या स्वातंत्र्य काळापासून पाण्याची खूप तंगी आहे। या ठिकाणी पाणी पुरवठा करण्यासाठी कुठलीही अशी कायमस्वरूपी योजना प्रस्थापित न केल्यामुळे नागरिकांना उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये मोठ्या त्रासाला सामोरं जावे लागते। गेल्या 16 महिन्यापूर्वी मी या मोहगाव ग्रामपंचायतचा सरपंच म्हणून कार्यभार सांभाळला आहे आणि त्यानंतर मी असं ठरवलं होतं की मी या 1 ते 1.5 वर्षामध्ये इतनी जे पाण्याची समस्या आहे ती कायमस्वरूपी। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए कॅमेरामॅन योगेश लखोटे के साथ रवी यनोरकर की रिपोर्ट।